हमारे साथ किसान नेता मौजूद है किरण पाल जी। ये जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हालत बुरी हुई है किसान की, कहीं पर फायदा नहीं है चाय, और प्रधानमंत्री ने कल ही बात रखी है उन्होंने सामने कि पहले क्या हालत थी किसान की और अब कैसे उनकी सरकार में हालत सुधर गई है, तो क्या है हकीकत? पहले तो धन्यवाद TV9 को। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं बताऊंगा जो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, ये राजनीतिक लोगों का काम है, क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है वो दूसरों को ब्लेम करेंगे और जिनके हाथ से सत्ता चली गई वो सत्ताधारी पे ब्लेम करेंगे। परंतु किसान को छोड़ा किसी ने नहीं है और किसी लायक नहीं छोड़ा है। पहले जितने 70 साल से किसान का जो हाल बुरा है आज तक भी वो ऐसा ही है। सत्ता चेंज करने में किसान और गरीब और गांव के लोग बहुत आगे रहे हैं, और सत्ता चेंज जो की है आज कांग्रेस और बाकी सब पार्टियां जितनी पीछे पड़ी हैं वो केवल और केवल किसानों की देन है। किसानों ने उनको यहाँ पहुंचाया है, और भाजपा को लाने वाला किसान है। और किसान अगर भाजपा भी 10 साल होने जा रही है और किसान का जो बुरा हाल आज दिल्ली में किसान बैठा है, बताइए मुद्दों पर आ जाते हैं कि किन बातों का विरोध हो रहा है और उसको लेकर भ्रम की बात जो की जा रही है। सर मैं आपके पास आऊंगी, आपके मुताबिक दोनों दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं फिर आपके पास आऊंगी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया है और यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। हमारे साथ नोएडा बॉर्डर से मोहित ओम जुड़ गए। मोहित, इस समय क्या स्थिति है, किसान यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो डेलीगेशन को भी बुलाया जा रहा है, बातचीत भी की जा रही है, तो फिर यहाँ पर प्रदर्शन क्यों और क्या स्थिति है? मेरे पहले आपको मैं यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो किसान है वो आए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ, और जो बॉर्डर है अब उसको बंद कर दिया गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाला और दिल्ली से नोएडा आने की तरफ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और इस तक जो है ऑफिस टाइम ओवर होने जा रहा है, और उस समय इस तरह बॉर्डर सील होना, तो आप समझ सकते हैं कितना भारी ट्रैफिक जाम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भारी संख्या में जो वाहन है वो इस रोड से निकलते हैं। काफ़ी यहाँ पे किसान जो है वो हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि जब डेलीगेशन आपका बात करने के लिए गया है तो आप इस वक्त यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, एक तरफ आपका डेलीगेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात कर रहा है और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या कारण है? ऐसा है, जो मंत्रिमंडल बैठा है उसमें किसान नेता कोई नहीं है, ये तो सरकार के द्वारा बनाया हुआ मंत्रिमंडल बैठा है। हम भानु प्रताप सिंह है, भारतीय किसान भानु के, 5 साल से नहीं 7 साल से, 11 में आए थे मनमोहन सिंह से लड़ने, रमेश बाबा ब्रज के वृक्ष संत हैं, उन्होंने भारतीय किसान भानु नाम रखा था 11 में, और 13 में बाबा ने भेजा था कि किसान, अभी आपकी मांगों को लेकर जो किसान नेता वहां पहुंचे हैं वो बात तो कर रहे हैं, तो इस पर बॉर्डर जाम, किसान जाम काय कर रहे हैं, हम जाम काय कर रहे हैं, यहाँ आए हैं गृह मंत्री कह जाए किसान आयोग का गठन 15 दिन में होगा। हमारी मांग है, हम तो लॉकडाउन के बाद करना चाहते थे दिल्ली के रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान किसी बात का है? उत्तराखंड के किसानों से तो इस वक्त सड़क पर क्यों हैं? जी, अभी 7 बजे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों से बात करना चाह रहा है और जा रहे हैं, अभी 7वीं मीटिंग शुरू होने वाली है, उस दौरान जब मीटिंग शुरू होगी तो उससे पहले यहाँ पे क्यों आप लोग? अरे मीटिंग हमें क्या पता कब शुरू होगी कब नहीं होगी, हम तो इसलिए आए हैं क्या, अरे हमारी सुनो, हम तो इसलिए, हमारे पास कोई संदेश नहीं, कोई मैसेज नहीं है, हम तो इसलिए आना पड़ा है कि हम देश के किसान नेता हैं 40 साल से, सबसे पहले राजीव गांधी से हमने मांग करी थी, ठीक है, और ये जब लोग आ रहे थे, ठीक है, तो अलग अलग संगठन भी है, बहुत से संगठन है और अलग अलग संगठन से अलग अलग स्तर पर बातचीत हो रही है, तो ये जी अलग संगठन है वो पहुंचे हैं, अब वो भी शामिल होना चाहते हैं इसमें, और ये कहा भी जा रहा था किसानों की तरफ से कि और संगठन इसमें शामिल होते जाएंगे। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।